नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शंभू बॉर्डर के बाद खनौरी बॉर्डर पर किसानों का उपद्रव। पुलिस ने ड्रोन से गिराए आंसू गैस के गोले। दिल्ली चलो मार्च के लिए फिर से तैयार किसान। इस बार बॉर्डर पर पुलिस की किलेबंदी तोड़ने के लिए बुलडोजर और जेसीबी जैसी भारी मशीनें लेकर डटे हुए। हालांकि किसान नेताओं ने ऐलान किया कि वे इन मशीनों का उपयोग नहीं करेंगे और केवल आंदोलन के नेता ही आगे बढ़ेंगे। इस बीच सूत्रों ने खबर दी है कि केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच आज ही 5वें राउंड की बैठक हो सकती है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद को लेकर केंद्र सरकार के ऑफर को ठुकराने के बाद किसान आज एक बार फिर दिल्ली चलो मार्च फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। इस बार किसानों ने बॉर्डर पर पुलिस की किलेबंदी तोड़ने के लिए बुलडोजर और कई तरह की पॉकलैन मशीनें भी मंगाई है। किसान आंदोलन को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार की कोशिशें लगातार जारी है। इसी क्रम में केंद्र और किसानों के बीच चंडीगढ़ में 5वें दौर की बैठक होने की संभावना। इससे पहले 4 दौर की बैठक में कोई भी हल नहीं निकला है। दिल्ली चलो मार्च के इरादे से प्रदर्शनकारी किसान हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर डटे हुए। इस बीच सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर अपना पक्ष रखा है। इसको लेकर आंकड़े जारी कर बताए गए हैं कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। पंजाब और हरियाणा के बीच स्थित शंभू बॉर्डर के अलावा खनौरी बॉर्डर पर भी भारी संख्या में प्रदर्शनकारी किसान नेता तैनात है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हंगामा करते हुए पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें काबू करने के लिए ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले गिराए और प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस न्यू भारत।